नमस्कार, खबरें अभी तक की इस खास पेशकश आदमपुर के रण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। एक वक्त में आदमपुर को हरियाणा की सियासत का ट्रांसफार्मर कहा जाता था। अगर हरियाणा की राजनीति की बात की जाए तो आदमपुर से अभी हरियाणा में सत्ता संभाली गई है और इस वक्त आदमपुर के उपचुनाव में तकरीबन 22 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में उतरे हुए हैं। करीब 1,71,000 वोटर्स उन 22 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। चार लोगों में मजबूत तरीके से मुकाबला दिखाया जा रहा है, कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, इनेलो और आम आदमी पार्टी। लेकिन आदमपुर को लेकर सबके अपने अपने ख्याल हैं, सबकी अपनी अपनी बातें हैं। तो आदमपुर के लोगों से जानते हैं कि इस बार लोगों ने क्या मूड बनाया है और लोग चाहते क्या हैं। बहुत सारे इस वक्त चैनल्स वाले आ रहे हैं, मीडिया वाले आ रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं। भाई साहब, इस बार क्या सोचा है आदमपुर ने? भव्य विस्मय। अच्छा, उसकी वजह? वजह आड़ा लोकल कैंडिडेट है, अपना रहना रहा काम करे सदा भजनलाल परिवार ने। तो लोकल तो इनेलो वाले भी अपने आप को कह रहे हैं और आम आदमी पार्टी वाले भी कह रहे हैं, मन में जेजेपी भी, कांग्रेस भी कह रही है। नहीं, वो कहने को तो कोई भी कह सकता है, मैं भी कह सकता हूँ ना, वो अलग चीज़ है। कहाँ के रहने वाले हो आप? यहीं का रहने वाला है। तो क्या लग रहा है आपको इस बार आदमपुर का माहौल? सारी अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, सारे अपने अपने जोर दिखा रहे हैं, 6 तारीख को पता लग जाएगा। अच्छा, सबसे ज्यादा जोर किसमें नजर आ रहा है? सभी का जोर है अभी तो। अच्छा, 22 उम्मीदवार है मैदान में तो 2200 का जोर है इस टाइम। अच्छा जी, और आप किसे खिलाएंगे गरम गरम मूँगफली? आप खा लो। प्रत्याशी को किसको खिलाएंगे? जो कोई आए उसको खिला देंगे। अच्छा, तो लोगों के अपने अपने रुझान है। जी, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, क्या कह रही है इस बार आदमपुर की जनता? कुलदीप भव्य विस्मय जीते। उसकी वजह क्या है? वजह काम प्रोवाइड हो अगला। इसलिए कि एक परंपरा चली आ रही है, उसको तोड़ना नहीं है। हाँ, तोड़ने को नहीं है, चाहे काम हो ना हो। काम हो है, काम सरकार द्वारा ही तो हो ही काम है। अच्छा, चाहे ना हो वोट ही नहीं देना है। अच्छा, बंधे हुए आदमपुर के लोग कुलदीप बिश्नोई से? बंधे हुए। अच्छा, ऐसा क्यों? पीछे काम करवाया है चौधरी भजनलाल का। अच्छा, भजनलाल के बिना आदमपुर में क्या हो तो पहले? हाँ, कुछ को नहीं हो, भजनलाल परिवार ही सब कुछ करे आगे। अच्छा, भाई साहब आप तो सेफ की सफाई कर रहे हो, लेकिन आदमपुर में बड़ी गंदगी नजर आ रही है। आदमपुर सही है जी, साफ है एकदम सही। हाँ, तो इस बार चुनाव में कौन कौन साफ होने जा रहा है, किस किस को आपका प्यार मिलने जा रहा है? जी, आप हमसे ज्यादा घूम रहे हो, आपको पता चुनाव के बारे में। लेकिन वोट तो आप ही डालने वाले हो ना आदमपुर? डालने वाले वो टाइम पे डलेगा वोट, पहले नहीं डलता जी। अच्छा, आप हमसे ज्यादा घूम रहे हो, हर गांव में जाते हो, आपने ज्यादा पता होना चाहिए। वैसे मुद्दे क्या है आदमपुर के? आदमपुर के कोई मुद्दे को नहीं, सब काम होड़े है, काम 30 साल जरूरत को नहीं काम जी। अच्छा, उम्मीद लग रही है और काम होंगे? काम होने लग रहे हैं, हो गए रही होने लग रहे हैं जी। सेब कितने रुपए किलो दे रहे हैं? सेब 100 के 150 रुपए किलो, 70 रुपए किलो। 100 के 150 किलो, 70 रुपए किलो। वैसे नेता भी ऐसी ऑफर देते हैं चुनाव के दौरान? हाँ, सब देवे है जी ऑफर है, आप तो रोज ही रखा नेता तो 5 साल में एक बार ही देवे है। आप लोगों ने ऑफर रोज रहता है तो इनका ऑफर रोज रहता है और बहुत और भी लोग हैं। वैसे आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं चौधरी वाली गाँव से। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार आदमपुर के उपचुनाव में माहौल? आदमपुर में एकदम बढ़िया है सर। मुद्दे क्या आदमपुर के? मुद्दा कोई खास मुद्दा नहीं है वैसे तो। ये सड़कें खराब हैं, ये मुद्दे नहीं है? खराब कहाँ है सर यहाँ? अच्छा, सही है। हाँ, जो कहते हैं कि पानी भर जाता है यहाँ पे, पानी तो वो प्राकृतिक विपदा है, वो तो हर जगह भरता है। अच्छा, उसको कौन रोकेगा? अच्छा, वो तो प्राकृतिक विपदा है, उस वहाँ वो तो सब जगह भरता है, हिसार भरता है, हंसी भरता है, दिल्ली भी भरता है, तो वो कोई मुद्दा नहीं होता। आदमपुर के लोग और क्या चाहते हैं? आदमपुर के लोग जो विकास हो रहा है इसी में, पहले जो मतलब 25 साल सरकार नहीं रही, आदमपुर हल्का सरकार में नहीं रहा, तो अब अगर सरकार में है तो इसका विकास होगा, बिल्कुल होगा। तो डेरे आदमपुर के इस रण में पार्टियों की तरफ से डाल दिए गए हैं, दूर दूर से लोग आ भी रहे हैं प्रचार करने के लिए भी। और इस वक्त आदमपुर की अगर बात की जाए तो आदमपुर का जो माहौल है पूरी तरह चुनावी नज़र आ रहा है, और इस चुनावी माहौल में लोगों के जो अपने अपने इरादे हैं। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? भाई साहब क्या कर रहे हो आप? काम कर रहे हैं। ये क्या बना रहे हो आप? ये तो अपने लोग का बना रहे हैं सब भी। अच्छा, इस बार आदमपुर की जनता किसकी मरम्मत करने वाली है? देखो जी, इस चीज़ का तो कुछ कह नहीं सकते, बाकी
उसकी वजह क्या, लोग ये भी कह रहे हैं कि काम नहीं हुए, विकास नहीं हुआ, फिर इस तरह से भी। देखो जी, काम तो अब तक किसी का नहीं हुआ, काफ़ी टाइम हो गया, क्यों वोट मिलते हैं चले जाते हैं कभी। हमारा यही है बस, अब जो बीजेपी सरकार चल रही है, आगे सेंटर में बीजेपी है, इसी हिसाब से हमें आगे काम कर सकता है, इसी कारण वोट दे रहे हैं। तो माहौल चुनावी है, और चुनाव के माहौल में लोगों को बहुत सारे मुद्दों के साथ लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और भाई साहब कैसे हो? बढ़िया है जी एकदम। इस बार काफ़ी गर्माया हुआ आदमपुर का माहौल। हाँ जी, एकदम स्पीड से, एकदम से एक और चुनाव आ गया आपके पास, बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, एक और मौका वोट डालने का। जरूर जी जरूर। तो क्या लग रहा है माहौल, क्या कह रहा है माहौल? ठीक है, कंपटीशन हो रहा है। कोई कह रहा है एक तरफा माहौल है, कोई कह रहा है कंपटीशन हो रहा है, आपको क्या लगता है हकीकत बात क्या है? कंपटीशन तो है ही है, माहौल एक तरफा नहीं है, मिक्स है। अच्छा, कंपटीशन किस किस में? ऊपर के दो ही हैं, भव्य जी और कांग्रेस जी। अच्छा भैया, आम आदमी पार्टी वाले तो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से इस बार सुशासन की शुरुआत करेंगे। शुरुआत तो उनको करनी चाहिए थी, बाकी कोई आगे भी बंदा भी तो होना चाहिए। अच्छा अच्छा, नहीं कोई सिस्टम से चलना हो, कोई आगे बनानी हो कोई बात, वो बन तो नहीं रही। और इन्हें लोग कह रही है कि हम किसानों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हाँ जरूर करेंगे, वो भी टाइम पे आएंगे तो वो भी करेंगे। जब भी चुनाव होते हैं तो कभी मुद्दों पर बात होती है, कभी प्रत्याशियों पर बात होती है। आदमपुर में साख की लड़ाई भी है, और आदमपुर में मुद्दे कितने हैं ये भी अलग अलग बहुत सारे लोगों के जरिए पता चलते हैं। कैसे हैं आप? बढ़िया जी। अच्छा, इस बार आदमपुर में लोग क्या चाह रहे हैं, किस हिसाब से वोट डालेंगे, क्या सोचकर वोट डालेंगे? अब भव्य बिश्नोई को वोट देंगे, यहाँ आदमपुर में वही जीतेगा। यहाँ तो मुद्दे हैं आदमपुर में कुछ विकास के, काम के? काम के मुद्दे अब काफ़ी हैं, फिर अभी करवाएंगे काम ये सरकार आने के बाद में। हाँ जी, बिना सरकार के काम नहीं हो सकते? बिना सरकार के जितने हो सकते थे करवाए हैं इन्होंने, पीछे जो ग्रांट मिलती थी उसके काम तो करवाए हैं, अब सरकार के उसमें करवाएंगे काम। अच्छा, अभी नौबत आ गई उपचुनाव की, और वजह आपको मालूम है, सबको मालूम है कि कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दिया। वो कह रहे हैं कि मैंने विकास के लिए इस्तीफा दिया है, दूसरे लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी नाक के लिए इस्तीफा दिया है। वो तो इस्तीफा तो उसकी लोकसभा में जो वोटिंग थी उसके हिसाब से दिया ना, जो लोकसभा में विपक्ष में वोट गिरने की वजह से ही। यानी उन्होंने अपनी पार्टी के संग धोखा कर दिया था, अपने मत से वोट दिया था ना उन्होंने लोकसभा में, तो उनकी पार्टी से वो खिलाफत होगी ना, उस वजह से। वो सही किया तो उन्होंने, आपको क्या लगता है? वो तो उनको पता जी, वो तो उनको पता, आपने को क्या पता जी उस बात का। वो ये कहते हैं कि मैंने अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी, और ये आवाज़ मेरी आदमपुर की जनता की है। तो आदमपुर की जनता ने चुना है तो आदमपुर की जनता की आवाज़ होगी ना। तो कांग्रेस ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो अपनी पार्टी के साथ धोखा कर दिया था। वो कांग्रेस जाने या वो जाने जी, इस बारे में तो हम नहीं कह सकते कुछ भी। अच्छा, मुद्दे क्या है, आपको क्या लगता है कि यार अगर दो काम हमारे आदमपुर में होने चाहिए तो सबसे पहले ये काम होने चाहिए? आदमपुर में जो सीवरेज का काम चल ही रहे जी, वो होना चाहिए, और रोजगार का है, रोजगार का भी करेंगे, हो जाएगा। और भाई साहब, खूब पानी बह रहे हो आप? हाँ जी है, बिल्कुल। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे हैं पानी की कमी है। नहीं, कोई कमी नहीं है। अच्छा, पानी की जितना मर्जी आपको भी नहला सकते हैं, बैठो अभी आप सब्जियों को नहलाओ। और एक बात और बताइए कि इस बार किसको पानी करने वाली है आदमपुरी की जनता? भवे को करेंगे हम, जिताएंगे। पानी यानी शर्म से पानी? नहीं नहीं नहीं, अच्छा। जीत से पानी। अच्छा, हाँ पक्की। अच्छा, मैं आपसे आता हूँ। अच्छा जी, तो मुद्दे क्या चाचा जी? ताऊ जी, ये है जी, मेरी बात सुनो। हाँ। मेरा लड़का जो पटवारी सिलेक्शन उड्डे ने करी थी ना लास्ट में, 13-14 हम जब भी करी, मेरे लड़के का नाम आदमपुर के नाम से यहाँ आया था, सिलेक्शन हो गया था, लिस्ट में नाम आ गया था। जब ने ये कुलवीर ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, इन्होंने आया आते ही मेरे लड़के का नाम कटवा दिया, ये आदमपुर का है, जिसको काट दो। क्यों मेरी पीड़ा है मन की, बिल्कुल। आज देख, सब्जी बेचने में मजबूर है, बताओ हैं, अलग ही लगाई नौकरी हमारे उसने। ये तो पैसे सुरक्षित थे मेरे, पैसे भी लिए, पैसे सुरक्षित थे मेरे, आगे हाथों हाथ नहीं, पैसे भी डूब जाते। आप अभी सब्जी छांट रहे थे, खरीदने आए हैं? अब खरीदने आया हूँ मैं तो। जितनी छांट छांट के सब्जी खरीद रहे हो आप, क्या उतने छांट छांट के प्रत्याशी और अपना कोई जनप्रतिनिधि चुनते हैं जनता? बिल्कुल चुनते हैं। क्या क्या देखते हैं जनप्रतिनिधि के अंदर खूबियाँ, प्रत्याशी के अंदर?
जो उनमें खूबियां होनी चाहिए। अब आप थोड़ी सी सब्जी ले रहे हैं, आप अच्छे अच्छे बैंगन निकालेंगे छांट छांट के, लेकिन वोट डालने के वक्त बिल्कुल बस आंख बंद करके दे देते हैं, लोग कहते हैं। हाँ बिल्कुल आंख बंद करके देते हैं, गलत बात है ना आंख बंद करके वोट देना। नहीं वो तो मतलब हमारे घर के निजी मतलब। नहीं मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्या जनता को वोट डालते वक्त क्या सोचना चाहिए। यही सोचना चाहिए जो मतलब विधायक बढ़िया होना चाहिए, जो हमारे दुख सुख का साथी हो और हर हर वक्त तैयार रहता हो। ठीक ठीक बिल्कुल हर वक्त तैयार रहे, लोगों के लिए काम करें। और जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छा है। क्या खबर है आज? बड़ी खबर तो आप बताओ क्या, आप बहुत घूम के आए हो। अखबार पढ़ लेना तो। अखबार में तो कोई खास खबर आई नहीं है। और आदमपुर की क्या खबर है चुनाव की? आदमपुर की, आदमपुर जो रूलिंग पार्टी वही लेके जा रही है सीट को। उसकी वजह? उसकी वजह तो ये है कि रूलिंग पार्टी के साथ जाएंगे तभी तो विकास होगा। लेकिन रूलिंग पार्टी तो ये भी कहती है कि हम तो समान विकास कर रहे हैं हर जगह का, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। वो कहने की बातें अलग होती है, करने की बातें अलग होती है। कहने की बात है वो, हाँ वो अलग होती है। बगैर रूलिंग पार्टी यहाँ पर मान लो 1996 के बाद में यहाँ की गवर्नमेंट नहीं आई तो कोई विकास नहीं हुआ। जिसके अंदर हुड्डा की गवर्नमेंट भी आ गई, आपने हुड्डा खट्टर साहब की गवर्नमेंट भी आ गई, सभी गवर्नमेंटें आ चुकी है। अच्छा। विकास जो होता है वो रूलिंग पार्टी से ही होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि रूलिंग पार्टी का विधायक होना चाहिए तो विकास होगा, अगर रूलिंग पार्टी का विधायक नहीं है तो विकास नहीं नहीं होगा। भाई साहब कैसे हो? ठीक है जी। नारियल लेने आयो? हाँ जी। और ये नारियल ना बड़ी दिलचस्प चीज़ होती है। हाँ जी। ऊपर कुछ अंदर कुछ, फिर अंदर पानी भरा हुआ है ना। तो वोट डालोगे? हाँ जी। क्या सोचकर क्या देखकर वोट डालोगे आप? कुलदीप को डालेंगे। अच्छा। हाँ। हमारे आप इसमें छांट रहे थे। हाँ। अच्छा सा निकाल रहे हो। हाँ। तो वोट डालते वक्त लोग सोचते हैं अच्छा सा प्रत्याशी चुनना? हाँ बहुत ठंड है या ऐसे ही डाल देते हैं बस, उठाया डाल दिया। कुलदीप मारा ही है ना, इसके डालेंगे यहाँ इसलिए। आपका भी है? हाँ है जी। अच्छा हमारे ही हैं, घर के हैं तो हम कह सकते हैं जी हमारे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ घर की वजह से? नहीं, वजह ये नहीं है, काम भी करवाया है जब कह रहे हैं। बाकी आप मेरा इंटरव्यू की बजाय, मैं तो अभी बाहर रहने लग गया हूँ इनसे ज्यादा। नहीं फिर भी आप यहीं के हो ना? नहीं नहीं मैं अभी बाहर रहता हूँ, कभी कभी आता हूँ महीने। तो और अच्छी बात है, जब आप बाहर रहते हो तो क्या क्या सुनते हैं आदमपुर के बारे में? आदमपुर सबसे बढ़िया है अपने हरियाणा का, सबसे अच्छा टनाटन काम चल रहा है। 2 किलो पौनी चावल। 2 किलो चावल? चावल कौन से वाले? वो उनको पता है अभी कौन से देने हैं, कंटिन्यू जाते हैं ना घर जाते हैं। मैं तो बाहर रहता हूँ। हाँ मेरे से आप यहाँ से किराने का चावल की बहुत सारी वैरायटी होती हैं, है ना, बहुत सारी वैरायटी अलग 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 अलग। हाँ ये पता है भाई, इनके यहाँ ये जाते हैं, ये अपने आप ही दे देंगे। मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से ना चावल की अलग अलग वैरायटी होती है, उसी तरह से अलग अलग वैरायटीज के प्रत्याशी भी चुनाव के मैदान में होते हैं, तो जनता को वोट डालते वक्त किस तरह से समझना चाहिए कि अब अच्छा प्रत्याशी है? सर ऐसा है, अगर आपने इंटरव्यू लेना है ना तो मेरे साथ कुछ 5-4 जने और हों नुक्कड़ सभा में, फिर आप मैं स्पीच दूंगा बढ़िया सी। इस वक्त मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं अभी सामान लेने के लिए आया हूँ, है मैं टाइम निकाल के दोबारा आ सकता हूँ। चलिए आप स्पीच याद कर लो फिर। ठीक है। वक्त के साथ रिश्ते बदलते रहते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्तों में कमजोरी आ जाती है, रिश्तों में फिर कुछ बेहतर हो तो गर्माहट भी आ जाती है। एक दिलचस्प चीज़ देखने को मिली अभी, यहाँ पर दो ये स्टिकर्स लगे हुए हैं, भव्य बिश्नोई और ऊपर कुलदीप बिश्नोई। अच्छा अब जाहिर सी बात है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं, लेकिन पोस्टर्स ये रिश्ता बता रहे हैं कि हाँ पहले इनके साथ रिश्ता था, आपके 50 साल के विश्वास को ताउम्र कायम रखूंगा इस पर लिखा हुआ है। और पिछली बार कुलदीप बिश्नोई खुद के लिए वोट मांग रहे थे और इस बार वो अपने बेटे के लिए वोट मांग रहे हैं। क्या मुद्दे हैं आदमपुर के? आदमपुर में एक तो शिविर को मुद्दा है, पानी भरा है। अभी मुझे कोई कह रहा था कि कोई मुद्दा नहीं है, सब बहुत बढ़िया टनाटन है आदमपुर जी। पानी भरा इन सेठ ने पूछ लिया, नहीं भरा तो पूरी मंडी पूछ लियो, पानी की समस्या है, कौन खुल है। तो ये दूर क्यों नहीं हो पा रही, कैसे होगी दूर? वो लीडर ने बताओ क्यों कौन कराए ठीक। लीडर तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं आपसे आकर, ना पानी की समस्या दूर होगी कौन? इस वक्त आपको मालूम है पूरे हरियाणा के बड़े बड़े लीडर सारी पार्टियों के आदमपुर में है। अरे मैं देखता हूँ, देखता हूँ सब बाईपास पर बहुत। आपको क्या लगता है कि वो आदमपुर के लिए आ रहे हैं या फिर अपने साख बचाने के लिए, अपने अपने प्रत्याशियों के लिए आ रहे हैं? अपने प्रत्याशियों के लिए आ रहे हैं, जनता के लिए नहीं आ रहे ना। जनता के लिए गुणा है कोई को नहीं।
जी कुछ कह रहे थे आप? हाँ। नहीं मैं तो इनको पानी के बारे में ही कह रहा था, वो काम चल रहा है ना। इन्होंने नहीं बताई मुझे, इन्होंने तो कहा कोई मुद्दा नहीं है। नहीं मैंने नहीं कहा, वो तो साथ में बैठे थे ना। पानी का मुद्दा तो है ही, लेकिन वो काम बजट पास होया हुआ है ना 26 करोड़ या जितने भी है 40 करोड़ का, तो वो काम हो रहा है। और जाहिर सी बात है कि मुद्दे होते हैं चाहे भी जी। समस्या है 20 साल हूँ और आज तक तो समस्या होयो को नहीं हो मुद्दों। अच्छा। पानी लिगड़ जी जद की बात। हाँ ये भी देखो अजय समस्या है फुल तकड़ी। आप थे गाड़ी ले रहा हो नहीं? अच्छा एक बात बताइए, आपने समस्या तो बड़ी बताई आपने ये, तो क्या इस समस्या के हिसाब से लोगों के जहन में वोट डालते वक्त बात आएगी? जी ऐसे है कुछ लोगों के आएगी। क्या लग रहा है आदमपुर में जनता किस तरफ जा रही है? ठीक है अपन मेरा को नहीं पाए मुद्दे हैं कुछ आदमपुर के चुनाव के दौरान जिन पर जनता को वोट डालने चाहिए? मुद्दा आदमपुर का क्या है, सिर्फ ओनली सड़क का है और मुद्दा क्या है? सड़क बन जाएगी आदमपुर के अंदर, पानी का निकाल हो जाएगा, यही दो मुद्दे हैं। यानी सड़क और पानी एक बड़ा मुद्दा है। तो चुनाव के मैदान में बहुत से लोग उतरते हैं, सब अपनी जीत के दावे करते हैं। सर आप ये आपने जो यूनिफॉर्म पहन रखी है ये हमारी मिलिट्री की है या क्या है? नहीं ये हमारी पार्टी की है। अच्छा ये यूनिफॉर्म वो होती है जो सेना की वर्दी होती है। हाँ। बेल्ट होता है, कैप होता है, टोपी होती है, स्टार होता है, सारी चीज़ें, तो ये वर्दी उसमें लागू होती है। बाकी हमने हमारी पार्टी का हमारा हम लोगों ने जनता ब्रिगेड पार्टी बनाया हम फौजियों ने, तो हम। अच्छा आपकी फौजियों की पार्टी है? जी रिटायर्ड फौजियों की। ये रिटायर्ड सैनिकों की पार्टी है और इसमें खाली सैनिक ही सैनिक नहीं रहेंगे। हाँ। इसमें जो सिविलियन भाई है, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, वो भी इसमें सब जुड़ेंगी। अच्छा। पहली बार हिंदुस्तान की राजनीति में एक स्वच्छ राजनीति लेकर के वर्दीधारी जो पार्टी आई है। हर पार्टी जब भी आती है तो स्वच्छ राजनीति की बात करके आती है। कोई भी पार्टी आती है कि हम बड़े स्वच्छ हैं, हम बड़े साफ सुथरे हैं, अच्छे हैं। आप भी वही बात कह रहे हैं, कुछ नयापन? बिल्कुल नयापन है। ये वर्दी ने कभी दाग नहीं लगने दिया है। सीमाओं पर खड़े थे तभी भी नहीं लगने दिया और यहाँ पर उतरे तभी भी नहीं लगने देंगे। बहुत से लोग ये कहेंगे कि आप वर्दी का इस्तेमाल राजनीति के लिए कर रहे हैं। नहीं नहीं ये वर्दी पूरी नहीं है, जैसे साहब ने बताया ये नोट कंप्लीट वर्दी नहीं है। ये कपड़ा जो है ये तो हमारी बसों के सीटों पर भी लोग लगाते हैं। प्रत्याशी हैं साथ में? हमारे बीच में प्रत्याशी है, हमारी 10-12 टीम यहाँ पर लगी हुई है। हम डोर टू डोर कंपेन करें, हमारे पास में अरबों खरबों रुपये नहीं है। ये जो पैसा आज लगा रहे हैं चुनाव में ये पैसा हमारे बीच में से निकल रहा है। जो प्रत्याशी ये भी फौजी हैं, रिटायर्ड फौजी हैं? नहीं नहीं ये यहाँ पर क्रांतिकारी इनका हमें वीडियो मिला। हाँ। ये एक आम आदमी पार्टी है। हाँ। उसमें इन्होंने लगा कि ये बड़ी आम आदमी की पार्टी। हाँ। आई है, ये तो आम आदमी पार्टी को ही मौका देगी। क्यों? राजस्थान बिरान से। अच्छा राजस्थान तक पहुंच रही है हवा आदमपुर की? हाँ हाँ। क्या पहुंच रही है? बस चुनाव का जिक्र चल रहा है। चुनाव का जिक्र चल रहा है तो आते रहते हो आदमपुर? नहीं अभी एक कोई हफ्ते दो हफ्ते में आता हूँ। तो जब भी आते हो तो कैसा लगता है आदमपुर आते वक्त, क्या क्या मुद्दे लगते हैं, क्या क्या समस्याएँ लगती हैं? समस्या कोई समस्या नहीं है। अच्छा वैसे हवा ठीक है। अच्छा माहौल है, बढ़िया माहौल है। माहौल किसकी तरफ है? नहीं इतना पता नहीं है, कौन खड़ा हो रहा है ये पता नहीं है। अच्छा तो माहौल सबकी अपनी अपनी राय है। और जी कैसे हैं? नमस्कार, कैसे क्या नाम है साहब? पवन कुमार। अच्छा पवन जी एक बात बताइए, बहुत सारे प्रत्याशी घूम रहे हैं, ठीक है, सब कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हमें वोट दीजिए, हम भी विकास करेंगे। अब जनता तय कैसे करें? जनता तो काम क्या काम की बटमेंट है जी, काम करेगा उसी को तय करेगी। वो तो कह रहा ना कि पहले चुनो फिर करेंगे काम। हाँ ये बात तो ठीक है। हाँ। उनकी भी कहना है पहले चुनो, लेकिन काम कोई करता नहीं है। हाँ। बोलते बोलते सब कुछ सब यही है, पहले चुनो और काम करो करेंगे, उसके बाद कोई नहीं आता जी। एक बार वोट लिए उसके बाद में 5 साल बाद ही दिखाई देते हैं, कोई नहीं आता। हाँ। कोई नहीं आता जी। अच्छा मुद्दे क्या है आदमपुर के? आदमपुर में कोई सुविधा नहीं है जी, सड़कें, सीवरेज की समस्या, सारी समस्या अभी तक जी। हाँ क्या बात चल रही है? काम की बात चल रही है, चुनाव की बात चल रही है? ना नहीं काम की बात है, चुनाव की नहीं चल रही। चुनाव मैं राजस्थानी आदमी हूँ। अच्छा जी भाई साहब कैसे हो? बढ़िया जी। अच्छा क्या क्या माहौल है? माहौल अच्छा है जी। अच्छा तो मुद्दे क्या हैं आदमपुर के? मुद्दे तो क्या है, मुद्दे कुछ नहीं होते चुनाव मुद्दे में। होते तो पहले होते। हाँ। पहले भी काम हुआ होगा नहीं हुआ आपको पता ही होगा, बार बार घूम रहे हो। मुद्दे क्या है जी? अब ये जो चुनाव हो रहा है ये आदमपुर की जनता के लिए हो रहा है या नेताओं की साख के लिए हो रहा है? नेताओं के लिए हो रहा है, पब्लिक के लिए कुछ नहीं है। पब्लिक के लिए होता तो पहले होता, आज तक कोई काम ही नहीं हुआ है जी। पर अभी करवाएंगे। अच्छा जुड़ते हैं इन लोगों को, इन लोगों को अभी जुड़ते हैं, अभी ज़रूरत है। हाँ। राजनीति लंबे टाइम तक करनी है।
हाँ वो तो करनी होती है सबको। लेकिन ऐसा भी होता है कई बार कि नेता जब काम नहीं कराते तब भी जनता जिताए चले जाती है किसी को। कई बार लोग कहते हैं भी काम नहीं हुए फिर भी कोई जीत रहा है, कई बार कहते हैं कि काम अच्छे हुए तो कोई हार जाता है, ऐसा क्यों होता है? ये तो पुराने काम बोलते हैं ना। अच्छा, अभी लोगों को लगता है अभी काम नहीं हो रहा तो अब सोचने मजबूर हो गए ना लोग। सोच रहे हैं वैसे लोग? हाँ सोचेंगे तो सही, सोचना पड़ेगा, इनको भी सोचना पड़ेगा, राजनेता को भी। मतलब आप ये कह रहे हैं इशारों में कि आदमपुर में एक तरफा चुनाव नहीं है, टक्कर है। बिल्कुल है जी, फाइटिंग तो है। अच्छा, जोर लगेगा। ठीक है, बात होगी जी अभी तो। है जी, काम पे बात होगी जी, काम पे। बहुत से लोगों से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कुछ नहीं जी, हम तो इनको वोट देंगे, हम इनके पुराने वोटर हैं, इन्होंने तो बहुत कुछ किया। लकीर क्या फकीर है जी, अभी तो काम पे बात होगी सारी। काम अगर काम पर अगर वोट पड़ जाए तो फिर तो ये राजनीति के लिए बहुत अच्छा इशारा। बस हाँ जी, आगे भविष्य के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा, काम पे वोट मिलेंगे तो। तो इस बार कुछ लग रहा है आदमपुर की जनता कुछ चौंकाने वाला कर सकती है? कर सकती है जी। अच्छा, तो अब देखना होगा कि आदमपुर की जनता क्या कुछ चौंकाने वाला फैसला करती है या जो फिर जिस तरह के इम्कान हैं उसी हिसाब से फैसले होते हैं। बाकी दावे सबके हैं, सभी प्रत्याशी अपने जीत के दावे कर रहे हैं। कोई कह रहा है एक तरफा मुकाबला है, कोई कह रहा है कड़ी टक्कर है। अब देखना होगा कि 6 नवंबर को आदमपुर की जनता ने जो फैसला लिया है उसका रिजल्ट क्या निकलता है। अपने कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं नासिर कुरैशी, खबरें अभी तक के लिए।